नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जेजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। ग्राहक को बेवजह परेशान करने और किश्त जमा न कर पाने पर मुकदमा दर्ज करने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अखिल कुमार पांडे ने अल्मोड़ा अर्बन को ऑपरेटिव बैंक के प्रबंधन को दोषी करार दिया है। साथ ही आदेश दिया है कि वो ग्राहक को 1,00,000 रुपए दे या जेल जाए। बता दें, हल्द्वानी के अंबिका विहार निवासी लता बिष्ट ने अल्मोड़ा अर्बन को ऑपरेटिव बैंक से लोन लिया था, लेकिन कोविड के दौरान आर्थिक संकट के कारण किश्त रुक गई और बैंक ने सिक्योरिटी चेक में 29,87,251 की रकम का चेक बाउंसिंग का केस कर दिया, जबकि लता जोशी ने एक मुश्त बड़ी रकम जमा कराकर अपने लोन खाते को एनपीए से बाहर करा लिया था, लेकिन तब भी बैंक ने केस वापस नहीं लिया। जिस संबंध में लता जोशी की ओर से अधिवक्ता आमिर एम खान ने न्यायालय को बताया कि लता जोशी की ओर से दिए गए लोन को चुकाने की मियाद 2027 तक बची हुई है और वर्तमान में भी लता जोशी लोन चुका रही है, लेकिन बैंक से केस वापस लेने की गुहार लगाए जाने के बावजूद भी तत्कालीन प्रबंधक चंद्रशेखर पाठक ने एक मुश्त लोन रकम चुकाने का दबाव बनाया और लता की ओर से जमा कराई जा रही किश्त की रकमों में से बैंक मनमाने मदों में 1,00,000 रुपए वसूल चुका है। बहरहाल, सभी तथ्यों का संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने लता जोशी को दोष मुक्त करते हुए बैंक प्रबंधक चंद्रशेखर पाठक को आदेशित किया कि लता जोशी को 1,00,000 रुपए प्रतिकर अदा करें और यदि प्रतिकर अदा नहीं किया तो 1 महीने का कारावास भुगतना पड़ेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए जेजे न्यूज। धन्यवाद।